श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंकी पास चाको पास, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को लाना है। मुंबई से सटे कल्याण लोकसभा क्षेत्र में एक अखबार के खबर ने राजनीतिज्ञ लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। कल्याण लोकसभा क्षेत्र के हिंदी भाषी मतदाता भाजपा एवं शिंदे गुट के शिव सैनिकों से नाराज चल रहे हैं और एनडीए उम्मीदवार के सपनों पर पानी फेर देंगे। हम आपको बता दें कि कल्याण लोकसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे इस लोकसभा क्षेत्र से लगातार दो बार सांसद निर्वाचित हुए हैं और उनकी पैठ उत्तर भारतीयों में अच्छी है। फिलहाल कल्याण लोकसभा क्षेत्र में कुल करीब 22 लाख मतदाता हैं, जिसमें करीब 7 लाख हिंदी भाषी मतदाता हैं, जो किसी भी राजनेता के खेल और मेल को बिगाड़ सकते हैं या ये कहें बड़ा झटका दे सकते हैं। अखबार की इस खबर के बाद हमारे सीएन न्यूज के वरिष्ठ रिपोर्टर महेंद्र मणि पांडे ने अंबरनाथ शहर और कल्याण शहर के बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के पदाधिकारियों की राय ली तो उन्होंने क्या कहा। हर सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया है, तो वो अतुलनीय है उनका योगदान जो है, जो लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो वो मतलब शब्द नहीं है, निशब्द है जो वो कर रहे हैं और आगे बहुत बेहतर करेंगे। इसके लिए हम सभी जोरदार कोशिश करेंगे और अब की बार 400 पार ले जाएंगे। जी, मैं कल्याण लोकसभा क्षेत्र से रहने वाला रहवासी हूँ यहाँ का, और हमारे यहाँ पे हमारे लोकप्रिय बांधकाम मंत्री श्री रविंद्र दादा चौहान जी, इनका सभी के साथ काफ़ी स्नेहपूर्ण व्यवहार है। बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाले मंत्रियों में आते हैं हमारे रविंद्र दादा चौहान, और छोटी से छोटी समस्याओं का भी समाधान करने में अग्रसर रहते हैं। और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ऐसे हमारे जितने भी हमारे आस पड़ोस में जितने भी हमारे नेता हैं, जो भी हमारे लोग हैं, वो हमेशा हमारे लिए कातुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। इससे बेहतर ज़्यादा हमको क्या चाहिए। इससे पहले किसी भी सरकार में इस तरह का सुशासन नहीं था जो हमको भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है। कल्याण डुंगरी महानगर पालिका में जो उत्तर भारतीय समाज है उस पे मुझे गर्व है, क्योंकि आज तक हर परिस्थिति में उत्तर भारतीय समाज भाजपा के साथ खड़ा रहा है और आगे रहेगा। जो भी कोई समाज और उत्तर भारतीय समाज और भाजपा में दूरी बनाना चाहता है, मुझे उस व्यक्ति पर हंसी आती है, क्योंकि वो कुछ भी करे तो भी ये जो काम होने वाला नहीं है। समाज, उत्तर भारतीय समाज और भाजपा मतलब एक दिल दो जान है, उसका सभी प्रयत्न फेल करने वाले। धन्यवाद। कल्याण जिला में उत्तर भारतीय समाज और उत्तर भारतीय बांधव जो रहता है, इस सबके ऊपर मुझे गर्व है, क्योंकि पहले से उत्तर भारतीय समाज, उत्तर भारतीय मेरे भाई सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पे काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई नगर सेवक, आमदार, खासदार, मंत्री बनने के लिए नहीं काम करता है। राष्ट्र के हित के लिए काम करने वाली पार्टी एक जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, 370 का कलम हटाया और राष्ट्र हित में इतना सारा काम मोदी जी के नेतृत्व में किया है कि सबको मालूम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में खाली उत्तर भारतीय नहीं, इस देश का हर नागरिक चाहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ूँ, भारतीय जनता पार्टी का काम करूँ। नरेंद्र मोदी जी को 400 प्लस करने के लिए भारतीय समाज, उत्तर भारतीय समाज का योगदान बहुत रहने वाला है और यहाँ महाराष्ट्र में जो जो रहते हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ। मेरा तो यही कहना है कि पूरा कल्याण 142 जो विधानसभा है उसमें सभी जो उत्तर भारतीय रहते हैं वो पूर्ण रूप से मोदी जी के लिए जी जान लगाने को तैयार हैं, क्योंकि सभी सनातनी केवल एक ही उनकी राय रहती है कि इस बार मोदी सरकार सबसे ज्यादा मतों से जीतकर भारत के मान सम्मान को और भी वैभवशाली बनाए। और जैसे हमारा कल्याण क्षेत्र, कल्याण पूर्व का जो क्षेत्र है, हम सभी, मैं स्वयं ही नहीं, मुझसे जुड़े सभी क्षेत्र के वासी सभी भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करने के साथ साथ उनके लिए जी जान लगाने को भी तैयार हैं। हमारे साथ हमारी बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं और हमेशा
मोदी जी के लिए तत्पर रहने का कार्य किया है और हम उत्तर भारतीय अपने जिला अध्यक्ष श्री नागेंद्र फौजदार शर्मा जी के मार्गदर्शन में सदैव ही कार्य में अपनी उपस्थिति देते आ रहे हैं और हम सदैव अपने उत्तर भारतीयों का मान सम्मान अपने देश के लिए सदैव उच्चतम ही रखेंगे और हम भाजपा सरकार के लिए ही उपस्थित हैं। उनकी सेवा भाव, उन्होंने श्री राम मंदिर बना के इतनी सारी कार्यकारिणी जो भी सुविधाएं उन्होंने उपस्थित की है वृद्धों के लिए, बहनों के लिए, जो छोटी बहनें लाडली हैं उनके लिए, जो जिनका कोई नहीं है, जो अपंग है, जिनको कोई कुछ नहीं दे सकता, उनकी ऐसी ऐसी बहुत सारी योजनाओं की उपस्थिति देखिए कि आप अकेले नहीं, आपका परिवार मैं ही हूँ। और जैसे मोदी जी ने कहा है कि जो आम जनता है वही मेरा परिवार है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम अपने देश को महान और अपने कार्य को सफल बनाने में लगे हैं, तो हम पूरी तरह से उनके समर्थन में हैं। कल्याण पूर्व से संबंधित कोई भी उत्तर भारतीय भाजपा के अलावा और किसी से संबंधित नहीं हो सकता, क्योंकि भाजपा ही हमारी जान है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमारे श्री राम को उनकी जन्मभूमि पे पूर्ण रूप से स्थापित किया कि जो हमारे भाग्य को महान बना दे वही हमारे लिए भगवान है। जय श्री राम। 400 बार जय जय श्री राम। मेरा नाम राजू निराला, अमरनाथ उत्तर भारतीय अध्यक्ष है। यहाँ अमरनाथ पूर्व में एक भी उत्तर भारतीय नाराज नहीं है। सभी जो है लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष, उत्तर भारतीय अध्यक्ष जो हैं नागेंद्र फौजदार शर्मा जी, हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष हैं संजय राम मावलकर जी, उनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हम लोग घर घर में जाके मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उनको जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब की बार 400 पार का पूरा हम लोग लक्ष्य रख कर ही काम कर रहे हैं। मेरा नाम राजेंद्र रजक है, मैं लांडी एसोसिएशन का पदाधिकारी हूँ प्लस रामलला प्रतिष्ठान का पदाधिकारी हूँ। सर, जो ये अफवाह उड़ाई जा रही है ये बिल्कुल 100% गलत है, 101% गलत है। हमारा उत्तर भारतीय समाज इतना मजबूती से भाजपा के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है कि आने वाले समय में वो बता देगा कि हम कहाँ हैं और क्या करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी का जो किया हुआ कार्य है वो हमारे उत्तर भारतीय बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। चाहे वो रामलला का मंदिर का समावेश हो या जम्मू कश्मीर का 370 का हटाना हो या हिंदुत्व का एक मजबूती का संगठन हो या छोटे बड़े तमाम प्रकार की योजनाएं हो, घर घर पहुंचाना, तो हम ये कहना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे विरोधी या और लोग ये कैसे कहते हैं कि उत्तर भारतीय भाजपा से दूर हैं, ये कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं समझ में आ रही है। मोदी जी जिस तरह से देश के लिए हैं, हमारे लिए, हम गरीबों के लिए हैं, उस तरह से हम गरीब उनके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र जी हमारे उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 23 फरवरी 2024 को श्री संत गाड़गे महाराज का हमारा प्रोग्राम रखा गया था जयंती के उपलक्ष्य में, तो माननीय शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित थे, आए हुए थे प्रमुख मेहमान स्वरूप। हम लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत हम लोगों को जोश मिला, ताकत मिली और हमारी यूनिटी वो देखे कि अमरनाथ ने हमारे उत्तर कम से कम 2000 या 2000 के ऊपर की संख्या में वहाँ उपस्थित थे। और इस तरीके से हम बताना चाहते हैं कि हमारे नेता जो हैं शर्मा जी, वो हमारे साथ हमसे कैसे व्यवहार किए और कैसे हमको हमारा समर्थन किए और हमको कितनी चाहत महसूस किए। इस साल जो नारा है कि बीजेपी 400 पार, तो वो है, वो होना है। अभी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।